Okay, so in fixed overhead, step number one, whatever information you have, you just try to put into the tabular form. Na? So just put question number 17, jara dekho. Question number 17, apni textbook ka dekho. And page number 103. Pehla, fixed overhead variance. This is budget actual. कैसे टेबल बनाते थे? Units, recovery rate, expense, hours, recovery rate, expense, days, recovery rate, expense, units, expense, hours, expense, days, expense. Say yes or no. 1 lakh units, actual units. Actual units 1,25,000. Hours 1,20,000, actual 1,40,000, fixed overhead 12 lakhs, actual is 1,440. 1,440 600 है ना, उसको यू जस्ट मेक इट 1,440. फोर्टीन लैख 40,000. वर्किंग डेज 24, 25. Working days 24, 25, right? Fixed overhead 12 lakhs and actual fixed overhead 14,40,000, right? Bana sakta table? Yaad hai? 1 lakh. 1,20,000. Fixed overhead rupees 12 lakhs. Actual hours 1,40,000, लेकिन इसमें abnormal idle दे रखा है ना आपने को, कितना है 4,000, तेरा क्या जाएगा 1,36,000 एंड एक्चुअल यूनिट्स आर 1,25,000, बराबर. सो दिस इज 12 रुपीज पर आवर, 10 रुपीज पर आवर, 50,000. स्टेप नंबर वन, वट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव, स्टेप नंबर वन, वट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव, यू जस्ट ट्राई टू पुट इन टू द टेबुलर फॉर्म. है ना, समझ में आया? यूनिट्स, आर्स, डेज, अगर जो जो डिटेल है पहले वो फिलअप करने का, राइट, फिर देखने का क्वेश्चन में क्या पूछा है. फॉर्मेट अपना यही रहेगा. ओके, दिस इज फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट, बराबर, टू बैंक, कितना पे किया तूने, 14,40,000 बाय रिकवरी 1,25,000 इंटू 12, 1,25,000 इंटू 12, 15 lakhs, टू ओवर रिकवरी 14,40,000, दिस कम्स टू 60,000. सही सुनो, बराबर. फर्स्ट फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस, क्या कॉस्ट अपन ने सोचा था, रिकवर्ड हुआ 15 लैक्स, पे किया 14,40,000, 15 लैक्स लेस 14,40,000, कितने का प्रॉफिट हो गया, 60,000. फॉर्मूला रिकवर्ड ओवरहेड माइनस
एक्चुअल ओवरहेड्स। एक्चुअली फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, रिकवर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स, दिस शुड डिवाइड इन टू फिक्स्ड ओवरहेड, एक्सपेंस वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड, वॉल्यूम वेरियंस। एक्सपेंस, एक्सपेंस मैनेजर ने क्या बोला था, 12 लैक्स खर्चा हुआ, 1440 कितने का लॉस हो गया, 240। प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला 1 लाख यूनिट्स, एक्चुअल में यूनिट्स बने 125 इंटू 12, 25,000 इंटू 12, 3 लाख फेवरेबल, सही है सुनो। वॉल्यूम के दो पार्ट, फिक्स्ड ओवरहेड, कैपेसिटी वेरियंस, कैपेसिटी ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ आवर्स, 1,20,000, 1,36,000 इंटू 10, 1,60,000 फेवरेबल। फिक्स्ड ओवरहेड, एफिशिएंसी वेरियंस, यूनिट्स आवर्स, 1,00,000 यूनिट्स, 1,20,000 आवर्स, 1,25,000 यूनिट्स, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 125, 1,50,000, 1,50,000, लेकिन उसके सामने ओनली 136 इंटू 10, 1,40,000 फेवरेबल, याद आ रहा है। 1,00,000 यूनिट को बनाने में कितना आर चाहिए अपने को, 1,20,000, राइट, तो 125 को बनाने में 150, लेकिन 150 वाला काम हम लोगों ने कितने आर्स में कर दिया, 136। व्हाट इज द रिकवरी रेट पर आर, 10, कितने का प्रॉफिट हो गया, 140, 140 प्लस 160 कितना आ गया तेरा, 3,00,000। लास्ट में क्या आएगा, फिक्स्ड ओवरहेड, कैलेंडर वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड, रिवाइज्ड कैपेसिटी। फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर 24 डेज, उसके सामने 25 डेज इनटू 50,000 कम्स टू 50,000 फेवरेबल। हमने पे कितने का किया, 24 का, वर्क कितना हो रहा है, 25, वन डे का रिकवरी रेट 50,000, ओके, डेज एंड आवर्स, डेज 24, आवर्स 1,20,000, इफ द डेज 25, माई कैपेसिटी विल बी 1,20,000 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 25, 1,25,000, लेकिन 125 की जगह 136 इज गुड इंटू 10, 1,10,000 फेवरेबल, 110 प्लस 50, 160। ना 136 माइनस 4 ना 4,000 एबनॉर्मल आइडल टाइम ना 4,000 इज ए एबनॉर्मल आइडल टाइम। ठीक है, अब पहले थोड़े होमवर्क के सम्स देख लेते हैं, राइट। होमवर्क सम्स आपको दे रखे हैं, आपके लेटेस्ट जो आईसीआई ने सीए इंटर का मॉड्यूल निकाला है
उसमें से हमने लिए हैं उसी सीरियल में। टेबल आप परफेक्ट रखिए, यही ना, टेबल में नो चेंज। ओके, धीरे धीरे करके सारे सम्स अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। टेबल में नो चेंज, टेबल में नो चेंज। ओके, टेबल में नो चेंज, बराबर। आप होमवर्क की सीट पे आ जाइए, हमारा जो होमवर्क दे रखा है ना, ये होमवर्क सीट है ना, होमवर्क सीट पे आ जाइए आप, है ना। होमवर्क सीट पे देखिए जरा कौन सा क्वेश्चन है। लेबर तक हम लोगों ने किया था ना लास्ट टाइम। नाउ टुडे यू रिफर क्वेश्चन नंबर 27 फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27 ट्राई करो जरा। क्वेश्चन नंबर 27 आपको हमेशा ध्यान रखना है, मेटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन बट फिक्स्ड ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन बजटेड प्रोडक्शन। होमवर्क का सेक्शन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 27। होमवर्क में हमने जितने भी समय वो आईसीआई ने भी डीकेसी इंटर का जो नया मॉड्यूल लिया है उसी में से लिए, राइट। देखो जरा क्या दे रखा है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कितना है अपना 4000, वर्किंग डेज 20, फिक्स्ड ओवरहेड वैल्यू। मैंने आपको क्या बताया, हमेशा आप ये बना दिया करो तो कभी आपको दिक्कत होगा नहीं। डेज जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिख देने का, राइट। एक्सपेंस, आवर्स, एक्सपेंस, डेज, एक्सपेंस, बना सकते हैं टेबल। प्रोडक्शन इन यूनिट्स 4000, आवर्स का डिटेल नहीं है, वर्किंग डेज 20, फिक्स्ड ओवरहेड 40000, एक्चुअल यूनिट्स 3800, एक्चुअल एक्सपेंसेस 39000, एक्चुअल वर्किंग डेज 21, 39000। यू रिक्वायर टू कैलकुलेट द फॉलोइंग ओवरहेड वेरियंस। वेरिएबल ओवरहेड वेरियंस वो बाद में करते हैं, पहले बी आंसर कर देते हैं। आंसर बी, बोलो क्या बनाते हैं पहले, फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट से या सुनो, फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट टू बैंक कितना पे किया है 39000 बाई रिकवरी 3800 इंटू व्हाट इज द रिकवरी डेट 10, 38000 बाई अंडर रिकवरी 1000। आपके मॉड्यूल में जो इलस्ट्रेशन दे रखा है वो हमने एज इट इज रखा है, हमने हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन डाला है 27। आपके न्यू मॉड्यूल में इसका इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, वो भी हमने एज इट इज रखा है, राइट। तो यू कैन मैच दैट, राइट। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस निकाल सकते हैं, कितना कॉस्ट सोचा था 38 रिकवर हुआ, 39 का खर्चा हुआ, कितना लॉस हो गया 1000 एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस, एक्सपेंस मैनेजर ने बोला था 40000, खर्चा हुआ 39, कितने का प्रॉफिट हुआ 1400, 200 यूनिट कम बन के तैयार हुई, कितने का लॉस हो गया 2000 एडवर्स। ऐसे फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिखना है तो लिख सकते हैं। रिकवर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स, बजटेड एक्सपेंस माइनस एक्चुअल एक्सपेंस, बजटेड यूनिट्स एक्चुअल यूनिट्स, रिकवरी रेट।
बोलो। ऑल राइट, समझ में आ रहा है। अब इसका दूसरा पार्ट क्या बचा? वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। हाँ देखो जरा, व्हाट इज द एक्चुअल प्रोडक्शन? वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 27, वेरिएबल ओवरहेड वेरियंस। वेरिएबल ओवरहेड वेरियंस ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। व्हाट इज द एक्चुअल प्रोडक्शन? 3,800 यूनिट्स स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल यूनिट्स रेट अमाउंट। यूनिट्स रेट अमाउंट 3,800 यूनिट्स। रेट पर यूनिट 12,000 इज फॉर 4,000 के लिए अपन ने सोचा था ना 12,000। बोलो या सुनो, पर यूनिट का रेट क्या आएगा? 3। ओके, सो 3,800 इंटू 3 11,400। 3,800 एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड 12,000 डिवाइडेड बाय 3,800 3.16। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस 11,400 माइनस 12,600 फेवरेबल। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर और रेट 3,800 माइनस 3,800 इंटू 3 जीरो 3.16 इंटू 3.16। समझ में आ रहा है? बोलो एकदम परफेक्ट। कैन यू ट्राई 31? क्वेश्चन 31, ये सारे जितने भी सम है होमवर्क के वो हम लोगों ने आपके मॉड्यूल से लिए हैं, लेटेस्ट मॉड्यूल से। राइट, आईसीआई ने जो डीकेसी इंटर के लिए लेटेस्ट मॉड्यूल निकाला है उससे लिए हम लोगों ने सारे सम्स। राइट, देखो जरा क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 31 देखो। क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ होमवर्क देखो क्या दे रखा है इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ होमवर्क, वेरिएबल ओवरहेड 10, फिक्स्ड ओवरहेड पर मंथ 1,00,000, कैपेसिटी ऑफ द प्लांट 20,000 पर मंथ। द एक्चुअल डाटा, एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड 3,00,000, एक्चुअल आउटपुट 1,500। कैलकुलेट ओवरहेड वेरियंस, प्रोडक्शन वॉल्यूम, ओवरहेड एक्सपेंस। पहले टेबल बना लो, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड्स, यूनिट्स, रेट अमाउंट। यूनिट्स अमाउंट, मेटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। राइट, सपोज ये मेरा 20 स्टूडेंट का क्लासरूम है। राइट, मैंने रेंट पे लिया, ओके, 20 स्टूडेंट्स का। अभी 10 स्टूडेंट्स आते
तो अभी लैंडलॉर्ड तो क्या बोलेगा, मुझे रेंट 20 का चाहिए, लेकिन जो मैं मेटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करूंगा वो 10 स्टूडेंट के लिए जाएगा। तो मेटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड किस पर रहेगा? एक्चुअल प्रोडक्शन। फिक्स ओवरहेड किस पर रहेगा? ऑलवेज ऑन बजटेड। सो व्हाट इज योर बजटेड प्रोडक्शन? इज फिक्स ओवरहेड पर मंथ इज 1 लाख, बोलो, यूनिट्स 20,000, रिकवरी रेट 5। नाउ एक्चुअल डाटा, एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड मींस दोनों वेरिएबल एंड फिक्स मिला के एक्चुअल ओवरहेड्स 3 लाख, एक्चुअल यूनिट्स 15,000, वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज ऑन एक्चुअल, सो दिस इज ऑल्सो 15,000, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस, क्या बजटेड यूनिट्स था 20, क्या एक्चुअल यूनिट्स हुए 15 इंटू 5, 25,000 एडवर्स। मैंने क्या सोचा था, बोलो क्या सोचा था, 20,000 यूनिट्स बनेगा, राइट? एक्चुअल में कितना बना? 15,000, कितना यूनिट्स कम बना? 5 इंटू 5, 25,000, बोलो। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम, देन वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट 10, सो दिस कम्स टू 1,50,000, ओके। ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस, बजेटेड एक्सपेंस 1 लाख, वेरिएबल ओवरहेड्स 150, मिलके कितना हो गया 250, लेस 3 लाख, कितने का लॉस हो गया 50,000 एडवर्स। वेरिएबल ओवर फिक्स्ड ओवरहेड 1 लाख, वेरिएबल ओवरहेड 150, मिलके 250, और उसके सामने एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ है 3 लाख, सही है? सुनो, ऑल राइट, बोलो, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? बोल, कैन यू ट्राई 32, क्वेश्चन नंबर 32, प्लीज ट्राई। देखो खुद से ट्राई करोगे तो ही आपको समझेगा, क्वेश्चन नंबर 32 एंड देन यू मैच द आंसर, क्योंकि मैंने सॉल्यूशन तो आपको दे रखा है, राइट? पहले आप खुद से ट्राई करिए, 32, क्वेश्चन नंबर 32, डोंट सी द सॉल्यूशन, पहले खुद से ट्राई करिए 32। कभी भी फिक्स्ड ओवरहेड का समय पहले टेबल बना लेने का, राइट? तो टेबल से आपको काफी इजी हो जाएगा, यूनिट्स रेट अमाउंट, फिक्स्ड ओवरहेड का कभी भी सम रहेगा पहले टेबल बनाने का, राइट? क्वेश्चन नंबर 32 होमवर्क का चल रहा है अपना, फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस, दिस इज बजट एंड एक्चुअल, पहले ये टेबल बना लेने का, यूनिट्स रिकवरी रेट एक्सपेंस, यूनिट्स एक्सपेंस, आवर्स रिकवरी रेट एक्सपेंस, आवर्स एक्सपेंस, डेज रिकवरी रेट एक्सपेंस, डेज एक्सपेंस। सही है सुनो, देखो ए कंपनी हैज ए नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 120 मशीन वर्किंग 8 आवर्स पर डे 25 डेज इन ए मंथ,
The fixed overhead are budgeted to be 1,44,000. The standard time required to manufacture one unit is 4 hours. In April, the company worked 24 days, 840 hours per day and produced 5,305 units of output. The actual fixed overhead is 1,42,000. Find out expense, volume and total fix. बना सकते हैं टेबल. देखो बजटेड एक्सपेंस कितना आएगा डियर, 1 लाख, बोलो 1,44,000, वेरी इजी सम. और एक्चुअल एक्सपेंस 142, एक्चुअल एक्सपेंस 142, एक्चुअल यूनिट्स 5,305. A company has a normal capacity 120 machine, 8 hours, 25 days. 25 days, 8 hours, 120 machine. तो total hours आ जाएंगे अपने पास, बोलो 25 days, 8 hours, 120 machine. 24,000 hours. बराबर 24,000. Now 1 hour में we can produce. क्या दे रखा है, द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चरिंग वन यूनिट इज 4 आवर्स. बोलो यस ऑर नो, इट मींस 6,000 यूनिट्स. भाई अपने पास 25 डेज थे, देखो इधर 25 डेज इंटू 8 आवर्स इंटू 120 मशीन 24,000. 24,000 डिवाइड बाई 4, 6,000. रिकवरी रेट निकाल सकते हैं 144 डिवाइडेड बाई 6,000 इज 24. देन 1,44,000 divided by 24,000 is 6. 1,44,000 divided by 25 is 5,760. Barabar. Actual days 24. 840 machine hours per day. 24 into 840. 2160. स्पीड में भी करना है और एक्यूरेट भी करना है, बहुत स्लो स्लो नहीं करने का, राइट. स्पीड बनाओ, कॉस्टिंग का पेपर बहुत लेंथी होता है, राइट. आपके दिल्ली वाले प्रोफेसर बहुत स्लो सिखाते, इतना स्लो नहीं करने का. टू बैंक 1,42,000 बाई रिकवरी. और दिल्ली के प्रोफेसर इतना स्लो सिखाते हैं इसके लिए बच्चों का पेपर छूट जाता है. स्पीड पिकअप करना सीखो. 5,305 into 24 127,320 बाई अंडर रिकवरी, बोलो लेस 1,42,14,680. 142, बोलो हो जाएगा. कौन कौन से वेरियंस पूछे हैं, फिक्स्ड ओवरहेड, कॉस्ट वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड, एक्सपेंस वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड, वॉल्यूम वेरियंस. एक्सपेंस क्या एक्सपेंस सोचा था, बोलो 144, क्या आ रहा है 142, कितने का प्रॉफिट हुआ 2000. रिकवर्ड ओवरहेड 127,320, एक्चुअल ओवरहेड 142, कितने का लॉस हुआ 14,680. यूनिट्स बनने चाहिए थे 6, बने 5,305. सब कुछ आपके सॉल्यूशन में दे रखा है, आप जरा इधर ध्यान दो कैलकुलेशन पे, राइट. 6,000 माइनस 5,305 इंटू 24, 16,680 is adverse. बोलो तो आपका लिखने का टाइम ऐसे सेव हो जाएगा, तो प्लीज करिए आप. हाँ ऑल राइट, हम्म.
एकदम प्रॉपर है, बोलो। चलो कैन यू ट्राई 33, खुद से ट्राई करो, पहले ये टेबल बना लेने का पूरा। क्वेश्चन नंबर 33 ट्राई करिए आप, ये सारे आपके लेटेस्ट मॉड्यूल के समय। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, पहले टेबल बनाओ, 33 का टेबल बनाओ। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ फैक्ट्री, खुद से ट्राई करिए, राइट। फिक्स्ड ओवरहेड फॉर जून 10,000, 10,000, 10,000, देखो। प्रोडक्शन 2,000, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 2,000 × 10, 20,000, डेज का इंफॉर्मेशन नहीं है, 0.5 रुपीज। एक्चुअल आस वर्क 21,000, एक्चुअल प्रोडक्शन 2,100, एक्चुअल एक्सपेंस 12,000, बोलो। स्टेप नंबर वन, वट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव, यू जस्ट ट्राई टू पुट ऑल द इंफॉर्मेशन इन टू टेबुलर फॉर्म। आप पहले टेबल बनाइए, बराबर, टेबुलर फॉर्म। दिस इज योर फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट, क्या क्या पूछ रहा है अपने से, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, एक्सपेंस एंड वॉल्यूम, टू बैंक 12,000 बाय रिकवरी 2,100 × 5, 2,100 × 5, 10,500 बाय अंडर रिकवरी 1,500। कितना पे किया मैंने, 12,000, मैंने कितना पे किया 12,000, मुझे रिकवर होके कितना मिला 10,500, कितने का लॉस हो गया, पहला बोलो, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस, क्या कॉस्ट था 12, रिकवर हुआ 10,500, एक्चुअल 12, कितने का लॉस हो गया 1,500, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस, एक्सपेंस वेरियंस 10, 10 के सामने 12, कितने का लॉस हो गया 2,000 यूनिट्स, 2,100 × 5, 500 फेवरेबल, बोलो। सॉल्यूशन आपके पास रहता ही है, राइट। कितना पे किया 12,000, कितना रिकवर हुआ 10,500, कितने का लॉस हो गया, सही है, सुनो। क्लियर हो रहा है, बोलो। कैन यू ट्राई 34? थर्टी फोर कंप्लीट सम है एकदम, हा 34 इज वन ऑफ द कंप्लीट सम। क्वेश्चन नंबर 34 वन ऑफ द कंप्लीट सम।
खुद से ट्राई करो. 34 टेबल बनाओ, वेरिएबल फिक्स दोनों निकालो. थर्टी फोर का टेबल बनाओ, ट्राई करो पहले. थर्टी फोर ये भी आपके मॉड्यूल का है. सब जितने भी होमवर्क हमें आपके मॉड्यूल से लिए गए, राइट. 30,000 यूनिट्स, 30,000 आवर्स, फिक्स्ड ओवरहेड 45. नंबर ऑफ वर्किंग डेज 25. 32,500, 33,000, fixed overhead 50,000, actual number of days 26. Say yes or no. 45,000 divided by 30,000 is 1.5. 45 divided by 30,000, 1.5. 45,000 divided by 25, 1800. First, fixed overhead account, right? To bank, कितना पे किया है? 50,000 by रिकवरी 32,500 इंटू 1.5 48,750 बाई अंडर रिकवरी 1,250 50,000 ऑल राइट. पहला क्या हो जाएगा? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस. कितना रिकवर हुआ? 48,750. कितना पे किया? 50. कितने का लॉस हो गया? 1,250. हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस? फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस. फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम एक्सपेंस 45, वॉल्यूम एक्सपेंस 5,000, एडवर्स 32,500 इंटू 1.5 2,500 इंटू 1.5 3,750 फेवरेबल. फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी, फिक्स्ड ओवरहेड
efficiency, capacity always in terms of hours. क्या कैपेसिटी थी? 30,000 आवर्स. क्या काम किया? 33. इट्स गुड. 4500 फेवरेबल. 30,000 का पैसा दिया, काम करने को मिला 33. 3000 मोर आवर्स इंटू 1.5, 4500 फेवरेबल. बोलो. फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी, यूनिट्स देन आवर्स. यूनिट्स 30,000, आवर्स 30,000. यूनिट्स 32,500, आवर्स 32,500. 32,500 के सामने 33 इंटू 1.5, 750 एडवर्स. क्यों? 30,000 यूनिट्स को बनाने में कितना आवर्स चाहिए? 30,000. बोलो. तो 32,500 को बनाने में कितना चाहिए? 32,500. 32 वाला 500 वाला वर्क यू आर डूइंग इन 33, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ लॉस ऑफ 750. सही यस ऑर नो? फिक्स्ड ओवरहेड, कैलेंडर वेरियंस, फिक्स्ड ओवरहेड, रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरियंस. कैलेंडर नंबर ऑफ डेज 25, 26, 1800. सो 1800 फेवरेबल. पे किया 25 का, काम करने को मिल गया 26. राइट. डेज एंड आवर्स 25 डेज, 30,000 आवर्स 26 डेज. 30,000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 26, 31,200. 31,200 के सामने वी आर वर्किंग 33 इज गुड इंटू 1.5, 2,700 फेवरेबल. 2718004500. सही यस ऑर नो? ऑल राइट. कैन यू डू इट वेरिएबल ओवरहेड? करो वेरिएबल ओवरहेड, करो खुद से. ध्यान रखना, मिस्टेक नहीं करना. वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन? 32,500. हा, वेरिएबल ओवरहेड वेरियंस ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ 32,500 यूनिट्स. स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, आवर्स रेट अमाउंट, आवर्स रेट अमाउंट. देखो, 30,000 आवर्स फॉर 30,000 यूनिट्स. तो 32,500 के लिए 32,500. वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, राइट. ओवरहेड 60,000 फॉर 30,000 आवर्स इंटू 2 इज 65. एक्चुअल आवर्स 33 एंड एक्चुअल कॉस्ट 68. से यस ऑर नो? निकालो. 68 डिवाइडेड बाय 33, 2.07. वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस 65 माइनस 68, कितने का लॉस हो गया? 3,000. वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड
एक्सपेंडिचर और रेट वेरियंस. एफिशिएंसी 32,500 माइनस 33 इंटू 2 1000 एडवर्स 2 लेस 2.07 इंटू 33 2000 एडवर्स. नहीं 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 आवर्स पे इफ पॉसिबल टेक ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स. वेरिएबल ओवरहेड इज नॉट पेबल ऑन द बेसिस ऑफ योर यूनिट्स. अभी रिलायंस का है, रिलायंस अपने से कैसे चार्ज करेगा? ऑन देयर यूनिट्स बेसिस, नॉट आवर यूनिट बेसिस. इफ इट इज पॉसिबल ट्राई टू रिकवर वेरिएबल ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट. इफ हाँ नहीं है तो फिर देन वी कैन गो. इफ द आवर्स या अगर नहीं है तो अपन जा सकते हैं, कोई बात नहीं है. पर ये ज्यादा वो है लॉजिकल ना. बोलो जम गया दोनों सही है सुनो. कर लो कॉपी कर लो आराम से ना. ऑल राइट समझ में आ रहा है. कैन यू ट्राई 35 क्वेश्चन नंबर 35. पहले टेबल में डालने का जो भी इंफॉर्मेशन है ट्राई टू पुट इन टू द टेबुलर फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 35 अपने को एक्यूरेट भी करना है, करेक्ट भी करना है, बहुत स्लो नहीं करने का, थोड़ा स्पीड बनाओ. ओके क्वेश्चन नंबर 35 टेबल बनाओ. पहले बना सकते हो बजट यूनिट्स रिकवरी डेट एक्सपेंस यूनिट एक्सपेंस आर्स रिकवरी डेट एक्सपेंस आर्स एक्सपेंस डेज रिकवरी डेट एक्सपेंस डेज एक्सपेंस राइट. नंबर ऑफ वर्किंग डेज आपके पास सॉल्यूशन है उसमें भी देख सकते हो 25 प्रोडक्शन 20,000 फिक्स्ड ओवरहेड 30,000 रिकवरी रेट 1.5 दिस इज 30,000 एक्चुअल 31 दिस इज 27 एक्चुअल प्रोडक्शन 22. क्या पूछा है? वॉल्यूम एक्सपेंडिचर एंड ओवरहेड. वेरी सिंपल ना. फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट टू बैंक
कितना पे किया है 31 बाई रिकवरी 22 इंटू 1.5 33 टू ओवर रिकवरी 2000 फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस 33 रिकवर किया 31 पे किया 2000 फेवरेबल फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस एक्सपेंस मैनेजर ने बोला था 30 खर्चा किया 31 लॉस ऑफ 1000 22 इंटू 1.5 3000 फेवरेबल ऑल राइट बोलो प्रॉपर टोटल ये टोटल ओवरहेड दिस इज एक्सपेंडिचर वेरियंस एंड दिस इज वॉल्यूम वेरियंस वन इज ए एक्सपेंडिचर वन इज ए वॉल्यूम या बोलो ऑल राइट कैन यू ट्राई 36 इंटरेस्टिंग दिस 36 ट्राई करो पहले टेबल बना लेने का राइट क्वेश्चन नंबर 36 36 देखो जरा टेबल बनाओ कैसे भी इंफॉर्मेशन देते हैं अपने को मालूम है अपने को सेट फॉर्मेट है उसी में जाने का है राइट ट्राई टू पुट ऑल द इंफॉर्मेशन सॉल्व बजेटेड मेन आर्स पर डे या पहले आप फॉर्मेट बना लो है ना फिर देखो नंबर ऑफ वर्किंग डेज बजेटेड 25 बजेटेड मेन आर्स पर डे 25 इंटू 6000 150000 आउटपुट 150000 इंटू 150000 फिक्स्ड ओवरहेड 150 एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज 27 एक्चुअल मैन आवर्स 27 इंटू 6300 170,100 में यू कैन प्रोड्यूस 0.9 153,090 बोलो 153,090 एक्चुअल एक्सपेंस 1,56,000 1 rupee 6000
fixed overhead account to bank 156 by recovery 153090 into 1 153090 by under recovery 156 less 153090 2910. Fixed overhead cost variance 153090 less 156 loss of 2910 adverse. Fixed overhead expense variance fixed overhead volume variance expense 150 उसके सामने 156 loss of 6 150 less 153090 into 1 3090 favorable. बोलो यह सोलूंगा ऑलराइट समझ में आ रहा है. क्वेश्चन 26 जरा देखो होमवर्क 26. रीड करो समझो जरा क्या दे रखा है. इस स्टेप का एक और किया था ना अभी अपने इस स्टेप का और भी किया था ना एक. चलो टेबल तो बनाओ पहले. फिक्स्ड ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन बजटेड या फिक्स्ड ओवरहेड ऑलवेज ऑन बजट वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज ऑन एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड एंड दोनों का टेबल बना दो. वेरिएबल ओवरहेड यूनिट्स रेट अमाउंट यूनिट्स अमाउंट फिक्स्ड ओवरहेड द ओवरहेड एक्सपेंस बजट फॉर ए फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग ए कैपेसिटी 200 यूनिट्स पर मंथ. बजटेड यूनिट्स 200 या एंड रिकवरी रेट क्या है तेरा 3000 तो एक्सपेंस कितना रहा होगा 6 lakhs. बोल एक्चुअल प्रोडक्शन वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन विच इज 100 यूनिट्स. एक का कॉस्ट क्या था 1500 दे रखा ना टेबल में 1,50,000.
सेकेंड टेबल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड 3000, बजट है ना? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरियंस एंड द ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस. वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में निकलता है? फिक्स्ड ओवरहेड में. फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस, क्या वॉल्यूम सोचा था तूने? 200 बराबर, और एक्चुअल प्रोडक्शन क्या हुआ? 150. व्हाट इज द रिकवरी रेट? 3000. कितने का लॉस हो गया? 200. एक्चुअल यूनिट 100 100 ना, तो कितने का लॉस हो गया? 3 लैक्स. समझा या नहीं? वॉल्यूम 200 की जगह एक्चुअल में यूनिट्स बनी 100 कम बनी, और एक का रिकवरी रेट 3000, राइट. ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस, ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस, बजटेड एक्सपेंस था तेरा 6 लैक्स फिक्स्ड ओवरहेड का, प्लस वेरिएबल ओवरहेड है 150, मिलके कितना हो गया? 750. समझा या नहीं? उसके सामने एक्चुअल एक्सपेंस ले ले, 4 + 2 + 175, 4 एक्चुअल एक्सपेंस दे रखा ना. डिस्क्रिप्शन ऑफ ओवरहेड, एक्चुअल कॉस्ट, पावर एंड फ्यूल 4 लैक्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 2 लैक्स, ये 175 और ये 375, क्या हो जाएगा? 7 लैक 50 की जगह कितना हो गया तेरा? 1150. कर टोटल करके देख, लॉस ऑफ 4 लैक्स. नहीं, दोनों टोटल है ना. इस और इसका टोटल, ये और ये का, यहाँ 11 लैक 50, ये दोनों का टोटल 1150 है ना. भाई तेरे को ये तो दे ही रखा है ना, 200 यूनिट्स और फिक्स्ड ओवरहेड का पर यूनिट 3000, 6 लैक्स हो गया. एंड वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज ऑन एक्चुअल, एक्चुअल यूनिट्स दे रखा है 100 का रिकवरी रेट 1,50,000 आ गया. एक्चुअल एक्सपेंस का टोटल करेगा ये सब का तो क्या आएगा? 11,50,000. सही है सोनू, है ना. थोड़े मटेरियल के देख ले जरा, होमवर्क सम्स इजी है एकदम, ये मैक्स टू मैक्स. हाँ जी ना, 150 + 6 लैक्स 750, 6 लैक्स + 150 750 ना. समझा या नहीं समझा? राइट, आप 28 जरा देख लें, क्वेश्चन 28. अभी मटेरियल के 2-3 सम दे रखे हैं होमवर्क में, वो भी देख लो जरा ना. क्वेश्चन 28, देखो जरा क्या बोल रहे हैं. 28, फॉर मेकिंग 10 kg ऑफ केमको स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायरमेंट इज ए 8 kg, बी 4 kg एट द रेट ऑफ 6 and 4. ड्यूरिंग अप्रैल 1000 केमको वर प्रोड्यूस एंड द एक्चुअल कंजम्पशन वॉज मटेरियल ए 750 एट द रेट ऑफ 7 एंड बी 500 एट द रेट ऑफ 5. कैलकुलेट द मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, मटेरियल प्राइस वेरियंस एंड मटेरियल यूसेज वेरियंस. बना सकते टेबल. इट मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट ए एंड बी. एक बार रिवाइज कर लो, है ना. 8 kg
फॉर द आउटपुट ऑफ 10, तो 1000 के लिए, और 4 केजी फॉर 10, तो 1000 के लिए 800 एंड 400, बोलो यस और नो? हाँ, तो एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है तेरा? 1000 है ना? हाँ, दैट इज एक्चुअली मेटेरियल कंज्यूम्ड। आउटपुट कितना है तेरा? 1000। 1000 के लिए कितना लगना चाहिए, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी क्लियर हुआ? कैसे बनाएंगे? मेटेरियल वेरियंस ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन? 1000। स्टैंडर्ड एक्चुअल केजी रेट अमाउंट, केजी रेट अमाउंट ए एंड बी 800, 400, 1200, 750, 500, 1250, 7 एंड 5, 8 एंड 4, बराबर हुआ? हो जाएगा? ऑलराइट, समझ में आ रहा है? लास्ट एक जरा इसका देख, होमवर्क का 37। एक ही चीज ध्यान रखना है, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, राइट? हाँ, 37। क्वेश्चन नंबर 37, ये सारे सम मैंने लेटेस्ट मॉड्यूल से लिए हुए हैं, ओके? देखो जरा 37 क्या बोल रहा है। समझ में आ रहा है? देखो, अगर 125 डालेंगे तो कितना आउटपुट मिलेगा? 100, है ना? तो कैसे करेंगे? इट मींस स्टैंडर्ड इनपुट, लिख ले जरा ये ना, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट, राइट? अगर इनपुट है 125 तो मेरा आउटपुट है 100। मेरा आउटपुट कितना है? 5600। 5600 इंटू 125 बाई 100, बोलो या सुनो, निकालो।
5600 125 डिवाइड बाई 100 इज 7000 केजी एंड दिस इन द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, ए बी सी 50 30 20 50 30 and 20 3500 kg 2100 kg and 1400 kg. समझा या नहीं? बोलो. अभी देख, क्वांटिटी ऑफ रॉ मेटेरियल परचेस्ड, प्रोडक्शन मैनेजर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर परचेज, ही इज रेस्पॉन्सिबल ओनली फॉर कंजम्पशन, राइट. तो कंजम्पशन कितना हुआ होगा? 60 बैचेस इंटू 125 kg. 60 into 125, 7500 kg. And this actually used 60 20 20 of A B C. 7500 का 60% 4500, 1500 1500. सही? आसन देख लो, बराबर से समझ लो एक बार ना. ऑल राइट, समझ में आया? टेबल बना सकते हैं इसका. स्टेप नंबर वन, दिस इज मटेरियल वेरियंस ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड एक्चुअल. एक्चुअल प्रोडक्शन इज 5600 kg रेट अमाउंट, केजी रेट अमाउंट. ए बी सी 3500 2100 1400, 4500 1500 1500. रेट पर केजी 20 10 15, बोलो. और एक्चुअल रेट 21 8 and 6. ओके,7500 12000 9000 11500 7500 7500 7500 7500. एनालिसिस होमवर्क में करना, ठीक है? ओके, टू सम्स आर लेफ्ट. हाँ, पहले 18 जरा देख ले, टेस्ट बुक का 18 पहले ये बताओ, ये क्लियर हुआ कि नहीं? प्रॉपर हो जाएगा होमवर्क में? सॉल्यूशन इज गिवन, राइट? चेक कर लेना आंसर.